गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर, एलिमेंट, कंपाउंड, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजेनस, हेटरोजेनस मिक्सचर, इन सबको डिस्कस किया था। आज सीबीएसई का नया रिवाइज सिलेबस जो है लॉन्च हुआ है और उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में 30% रिड्यूस किए हैं टॉपिक्स को। तो जो लास्ट टॉपिक्स थे वो केवल अपने पास इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, क्योंकि वो टॉपिक्स इस ईयर में, इस एकेडमिक ईयर के अंदर हमारे सिलेबस में नहीं है। इस सिलेबस के अंदर जो हमारे पास कंटेंट्स हैं वो हम लोग आज से डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंटेंट हमारे पास है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होगा? एटॉमिक मास का डेफिनेशन है हमारे पास, वन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का मींस क्या है? कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं, और आइसोटॉप्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो चेंज हो सकता है। तो कार्बन के आप लोग अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ के आए हैं कि आइसोटॉप्स कार्बन के काफी सारे होते हैं, C12 होता है, C13 होता है, C14 आइसोटॉप्स होता है। बट यहां पर जो एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया है उसके लिए C12 कार्बन को स्टैंडर्ड लिया गया है, और C12 कार्बन को स्टैंडर्ड लेके उसके बेसिस पे अदर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है एटॉमिक मास का, वो डेफिनेशन क्या है कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज अ मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है वो C12 आइसोटॉपिक कार्बन का 1/12 के इक्वल होता है, क्योंकि C12 कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 होता है। तो C12 कार्बन का जो एटॉमिक मास उसका 1/12, यानी 1/12 मतलब 1 हो गया अपने पास, तो 1/12 एटॉमिक मास के इक्वल होता है, उसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अब तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होगा, ऑक्सीजन का जो है 16 होता है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, यानी मींस एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल जो है वो हम एटॉमिक मास जो है वो अब तक पढ़ते आए हैं, जो लाइटर एलिमेंट्स के लिए राइट कंसेप्ट है। रीजन क्योंकि हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में होता है और दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनता है, एटॉमिक मास। तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनके लिए ये कांसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसको अगर डबल कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, एटॉमिक मास। बट हायर एलिमेंट्स के लिए ये डिफरेंट हो जाता है क्योंकि एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाता है। बट इनिशियली अगर हम एटॉमिक मास का जो डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन हम किसके बेस पे लेंगे, C12 आइसोटॉप्स के बेस पे लेंगे, कि C12 आइसोटॉप कार्बन जो है उसका 1/12 पार्ट का जो मास होता है वो ही हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। बट आजकल हम क्या करते हैं, AMU की जगह केवल U यूनिट को यूज में लेते हैं, और U का मींस क्या है, यूनिफाइड मास। तो एटॉमिक मास के लिए हमारे पास यूनिट क्या हो गया, यूनिफाइड मास। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उन नंबर ऑफ एटम्स को उनके इंडिविजुअल एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके उनका जब सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स। तो जितना नंबर ऑफ एटम्स है उनको एटॉमिक मास से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। अब अगर सपोज कीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो हम वहां पर क्या करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो यहां पर कार्बन का एटॉमिक मास जो एग्जाम में गिवन होता है नॉर्मली,
और हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर बैक साइड में अपेंडिक्स दिया हुआ है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के एटॉमिक मास गिवन होते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है। तो CO2 का मोलिकुलर मास अगर कैलकुलेट करें तो क्या लिखे हम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिक मास प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिक मास। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 1, एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, एटॉमिक मास 16, कितना हो गया 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया 44 मॉलिक्यूलर मास होगा। सिमिलरली अगर हम H2O का कैलकुलेट करें तो H2O में क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, एटॉमिक मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम 1 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1, एटॉमिक मास 16। तो यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास है H2O का वो कितना कैलकुलेट हुआ हमारे पास 2 प्लस 32 इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 1 16 है, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 18। तो जैसा कंपाउंड है उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट होगा। और एग्जांपल है हम यहां पर सपोज हम कैलकुलेट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, या हम बात करें सुक्रोज का या ग्लूकोज का कि मेरे को ग्लूकोज का एटॉमिक सॉरी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12 एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 एटॉमिक मास 16, कितना हुआ 12 16 6 कितना होगा 96, कितना हो गया टोटल हमारे पास 96 प्लस 4 कितना हो गया 100 और ये आ गया 180। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना हो गया 180। तो क्लियर है हमारे पास यहां पर कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमको कैलकुलेट कैसे करना है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसको उसके एटॉमिक मास से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैलकुलेट होगा। नॉर्मली जो लाइटर एलिमेंट्स है 10th एटॉमिक नंबर तक जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनमें एटॉमिक मास जस्ट डबल होगा एटॉमिक नंबर का। उसके बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें एटॉमिक मास चेंज होता है बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो जाता है। और एग्जाम के अंदर जब भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आता है तो वहां पर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक मास गिवन होगा। और नॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो हमारी टेक्स्ट बुक में बैक साइड में जो अपेंडिक्स है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटॉमिक मास गिवन होते हैं। क्लियर है? तो ये था मेरे पास मॉलिक्यूलर मास की बात। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मूला मास। अब फॉर्मूला मास क्या होता है, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, उनके लिए जो मास हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है मॉलिक्यूलर मास। बट अगर हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हो, आयनिक सॉलिड की अगर बात करें तो आयनिक सॉलिड पे हम मॉलिक्यूलर मास को रिप्लेस करते हैं फॉर्मूला मास से। मॉलिक्यूलर मास की जगह हम क्या यूज में लेते हैं, फॉर्मूला मास। चीज होगी वही है बट मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और सोडियम क्लोराइड अगर आयनिक कंपाउंड है तो सोडियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कैटायन प्लस एटॉमिक मास ऑफ एनायन। मैंने एग्जांपल इसका लिया सोडियम क्लोराइड का, तो यहां पर कैटायन के फॉर्म में क्या है Na पॉजिटिव, एनायन के फॉर्म में Cl नेगेटिव। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 एंड एटॉमिक मास ऑफ Cl 35.5। तो फॉर्मूला मास क्या होगा हमारे पास,
फॉर्मूला मास होगा 23 प्लस 35.5, कितना हो गया 5 प्लस 3 8, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 58.5 हमारे पास आएगा फॉर्मूला मास। इट मींस हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास होता है दोनों एक ही चीज है, सिमिलर थिंग है, केवल कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग हम उनके टर्मिनोलॉजी जो होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज में लेना है, और अगर आयनिक सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला मास वर्ड को यूज में लेंगे। तो क्लियर है मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। जो भी हमारे पास कंपाउंड है उसमें एटॉमिक मास को नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास कैलकुलेट हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मोल कंसेप्ट्स एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे काफी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सोल्व करेंगे। तो मोल कंसेप्ट है क्या? तो एक्चुअली हमने एटॉमिक मास किसके बेस पे कैलकुलेट किया था? C12 आइसोटॉप को स्टैंडर्ड लेके। तो यहां पर मोल कंसेप्ट के अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि मोल कंसेप्ट क्या है? मोल कंसेप्ट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस को इंडिकेट करता है। बिकॉज एटम और मॉलिक्यूल जो होता है बहुत स्मॉलर साइज होता है, बहुत स्मॉल साइज को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते इजीली, तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स का वेट या मास जो है कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल, कि एक सर्टेन क्वांटिटी कितनी हो सकती है अपने पास, वन मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर क्लियर करना है अपने को कि एटम और मॉलिक्यूल स्मॉल क्वांटिटी में होता है, स्मॉल एंटिटी है, इसलिए यहां पर हम मोल्स के फॉर्म में जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, उनको हमेशा मोल्स के फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि मोल का मींस क्या है, डेफिनेशन क्या होगा। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, उस सब्सटेंस का कितना अमाउंट होगा, कितने पार्टिकल्स होंगे। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many particle as there are atoms in exactly 12 gram of C12 isotope. C12 isotope ke 12 grams mein jitne number of particles honge, utne hi particles one mole of any substance. Kisi bhi substance ke one mole mein number of particles jo hai wo kiske equal hote hain? Number of particles present in 12 gram C12. तो हमने यहां पर क्या देखा कि वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम C12 कार्बन आइसोटॉप। तो C12 कार्बन के अंदर 12 ग्राम में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या करें हम कि C12 कार्बन के 12 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, जितना नंबर ऑफ पार्टिकल यहां होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें होगा, किसी भी सब्सटेंस में होगा। कार्बन का जो मास है, जो हमने मास कैलकुलेट किया है एटॉमिक मास कार्बन का, वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे हम एलिमेंट्स के मास को डिटरमाइन करते हैं। तो कार्बन का जो मास कैलकुलेट हुआ है, सिंगल कार्बन एटम का मास मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो आया है वो कितना होता है, 1.992 मल्टीप्लाई 10^-23 ग्राम्स। हम क्या ले सकते हैं, 1.99 मल्टीप्लाई 10^-23 ग्राम किसका मास है, वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के सिंगल एटम का मास कितना है, 1.99 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई 10^23। अब इसने बोला क्या है कि वन मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, जितने 12 ग्राम कार्बन में होगा। तो कार्बन का मास जो है वो कितना गिवन है, वेट कितना गिवन है, 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन लिया हमने
और एक कार्बन एटम का मास कितना है 1.99 × 10²⁷ ग्राम है। तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स इन 12 ग्राम कार्बन व्हेन वन एटम ऑफ कार्बन इज 1.99 × 10²³ ग्राम। 12 ग्राम में नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स निकालना है हमको, जब एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 1.99 × 10²³। तो हम क्या करें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम, डिवाइड किया तो हमारे पास एक यूनिट आता है 6.023 × 10²³। 6.023 × 10²³, ये जो यूनिट है इसे हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इस यूनिट को, एवोगैड्रो कांस्टेंट। और ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है इसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने, Na से। क्लियर है, किसी भी सब्सटेंस के वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, जितना 12 ग्राम कार्बन में होता है। तो 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल हैं? तो हमने क्या किया, जो कार्बन का 12 ग्राम है उसमें कार्बन के सिंगल एटम का जो मास है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया 6.023 × 10²³। ये क्या हमारे पास एवोगैड्रो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है ये वन मोल में, किसी भी कंपोनेंट के वन मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, एवोगैड्रो कांस्टेंट इक्वल होगा। सपोज करो मैंने कहा कि वन मोल CO2 कंटेंस हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो CO2 के वन मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वन मोल ऑफ H2O में कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.023 × 10²³ मॉलिक्यूल्स। सोडियम के वन मोल में कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल। इट मींस हमको पता चल गया कि वन मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो वैल्यू कांस्टेंट होता है, और कितनी वैल्यू होती है, 6.023 × 10²³ होता है। अब अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन पे कैसे बन के आ सकता है, देखें हम सपोज आपसे कहा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन, 0.5 मोल ऑफ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेरे को बताइए कि वन मोल कार्बन कंटेन 6.023 × 10²³ एटम्स, देन 0.5 मोल कार्बन कंटेन 6.023 × 10²³ × 0.5। तो 0.5 मोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दें इसको, अगर हम इसको डेसिमल की वैल्यू इसको रिमूव कर दें तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना हो गया, 3 × 10²³। 0.5 मोल में नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स कितना है, 3 × 10²³। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कैलकुलेट हो गया। अब मेरे को बताइए कि कार्बन में एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 3 × 10²³। तो अपने पास 0.5 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, 3 × 10²³ × 6 मींस 18 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ कार्बन। तो कार्बन के 0.5 मोल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितना हो गया हमारे पास, 6 18 × 10²³। किसी भी कंपाउंड के अंदर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि सपोज करो ये बोला हाउ मेनी कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स, सपोज ऑक्सीजन एटम्स
आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ CO2। तो वन मोल ऑफ CO2 मतलब CO2 का वन मोल लिया, तो वन मोल ऑफ CO2 कंटेन 6.023 × 10²³ CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वन मोल में CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.023 × 10²³ CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के वन मोल में CO2 मॉलिक्यूल कितना है? इतना है। अब CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन वन CO2 मॉलिक्यूल कितना है? टू ऑक्सीजन एटम्स है। तो 6.023 × 10²³ CO2 में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया अपने पास? अप्रोक्सीमेट 12 × 10²³ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ CO2। तो यहां पर हम मोल कंसेप्ट जो है उससे यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये सभी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, यहां पर हमने क्या लिखा? ये डेफिनेशन लिखा हमने कि जितना वेट होता है उसको सिंगल एटम के मास से डिवाइड करते हैं तो एवोगैड्रो नंबर आता है। क्लियर है? और यहां पर अगर मोल कैलकुलेट करना है, सपोज करो हमारे पास इसका जो गिवन अमाउंट था वो कम होता, ठीक है, अमाउंट जरूरी नहीं है हम हमेशा वन मोल बोले, हमसे ये कह दें कि सपोज करो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो होता है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो यहां पर मोल्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, यहां पर तो क्या कहा था हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड तो क्या करें अपन? ये क्या था? वन मोल था, ठीक है, क्या था ये हमारे पास? वन मोल था। अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल की जगह मैं ये कहता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन अमाउंट, गिवन वेट, कि गिवन वेट में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे अपन, वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करना है तो हम उस कंपाउंड के वेट को उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहां पर यह चीज जो है डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करें। अगर सपोज करो मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है, उसका वेट दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल कितना होगा, या ये कह दें कि 8 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा। तो यहां पर अपने क्या कहा, 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 8 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16। तो 8 ग्राम में ऑक्सीजन कितने मोल होंगे? 1/2 = 0.5 मोल। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि बताइए कि जो है 22 ग्राम CO2 है या 44 ग्राम CO2 है। ठीक है, तो 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो 44 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो हम क्या करें, वेट ऑफ कंपाउंड CO2 का कितना है? 44 ग्राम्स दिया हुआ है। ये पूछा हमसे कि 44 ग्राम्स, या ये बोल दिया हमारे पास कि 20 ग्राम्स है, 20 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट ऑफ कंपाउंड कितना है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। यहां पर क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भाई, 12 + 2 × 16 कितना हो गया, 44। तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। तो ये हमारे पास मोल्स कैलकुलेट करना या जो गिवन मोल्स है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना, दोनों चीजें हम लोगों ने यहां डिस्कस की है। क्लियर है हमारे पास
इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहां तक जो हमने टॉपिक किया है उसको अच्छे से देखना है, रीड करना है और वीडियो को देख के अपने बेसिस पे नोट्स बनाना है। वैसे मैंने नॉर्मली जितने कंटेंट थे उन सबका डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, तो आप डेफिनेशन को देख के इसके नोट्स प्रिपेयर करें और नोट्स प्रिपेयर करके मेरे को सेंड करें टाइम टू टाइम। जब मैं बोलूंगा तब आपको अपना जो वर्क है उसको सेंड करना होगा, तो आप कंटिन्यू इसको रीड करना है और नोट्स प्रिपेयर करना है, जहां प्रॉब्लम हो वहां आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कंटेंट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।